अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इसको मैंने रात में भिगो दिया था। ये सारे पीलिंग्स हैं, आलू के छिलके, लेमू के निचोड़ने के बाद का पीस, ये आलू का है। इसी में टमाटर के बीज के सेंस में ना इसका पानी, अब मैं ये रूट्स में डालूँगी। इसका यही है कि प्लांट्स की ग्रोथ पे अच्छा असर पड़ता है। तो ये मैं डालने जा रही हूँ डेली बेसिस पे, या कभी गैप भी आ जाता है, यूजुअली डालती रहती हूँ। फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ, लेकिन ये कि कभी गैप भी आ जाता है। तो ये है कि बस आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अंदर बाहर निकलते वक्त भी कुंडी खोल रही हूँ, और जब निकल गई हूँ तो फिर से कुंडी लगा रही हूँ, क्योंकि कीड़े मकौड़ों का डर जो है ना वो बहुत अज़ियत वाला हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन फिर भी ये मैं अपने अमरूद के लिए कर रही हूँ। इसमें चार अमरूद आए थे, ये देखिए अंडे के छिलके भी पड़े हुए, तो डालती रहती हूँ। बाकी और किसी चीज़ को देखती हूँ जो नया लगाया हुआ है उसको भी कर लेती हूँ। लेमू में भी डालती हूँ, बल्कि बेकिंग पाउडर भी मैंने डाला था इसमें, सोडा बेकिंग पाउडर नहीं सोडा डाला था। तो अभी मिर्चों के पौधे जो है अभी आए नहीं हैं, डाल रही हूँ काफ़ी टाइम से। ये आम का नज़र आ रहा है एक छोटा सा, डाला नहीं था, डालती हूँ वैसे, कोई लग जाता है निकल आता है तो हटा भी देती हूँ, या किसी को दे देती हूँ, कभी चलता रहता है मामला। ये जो है ये एक स्नेक प्लांट का एक पत्ते से प्लांट बनाया था, ये बन गया था, अल्लाह का शुक्र है कि ये पूरा, वरना तो स्नेक प्लांट अंदर रखने से, इंडोर है लेकिन इंडोर कुछ ऐसा ख़ास नहीं चलता, तो इंडोर को भी फिर धूप दिखानी होती है, और पहले आइडिया नहीं था तो इसलिए अभी आजकल ये मनी प्लांट भी निकाल के रखे हुए हैं। ये अंगूर की बेल है जो कि इसकी, हाँ इसकी चटनी बताती हूँ मैं। इसके पत्तों से पत्ते काट के, बल्कि मुझे करना भी था, चले मैं आपके सामने ही तोड़ लेती हूँ, बस काम ज़्यादा लंबे हो जाते हैं ना तो थकन भी हो जाती है। फ्रेश पत्ते ज़्यादा अच्छे हैं, ये खट्टे हैं पत्ते, इसका टेस्ट इमली के पत्तों जैसा ही तकरीबन है, कम है ज़रा, वो ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो इसकी चटनी बनाई मैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया या पुदीना, और ये पत्ते, ये ग्राइंड करके, ये ऐसी चटनी बनती है कि जैसे कि वो होता है, जैसे समोसे वगैरह के साथ मिलती है ना वैसी चटनी। और अभी मैंने बिरयानी के साथ भी इस्तेमाल की तो बहुत मज़े की बनी थी चटनी, उसके साथ अच्छी लग रही थी। एक इसकी एक सऊदी डिश होती है, उसका नाम नहीं आता मुझे, बहरहाल सऊदी अरब में तो बहुत कॉमन है ये, अनब्र आई नून बबा, अनब अनब कह लें, बहरहाल इसकी है। इसके पत्तों में
रोल की तरह, जैसे हम रोल के लिए मैदे की पट्टियाँ लेते हैं उसी तरह ये इसको रोल इसमें करेंगे। क़ीमा है, मैंने क़ीमे का किया था, क़ीमा और चावल, भीगे हुए चावल वो ग्राइंड कर लिए थे और वो डाल के रोल बना के उसमें मिर्च विर्च डाल दी थी और गोश्त जो था वो भी रख लिया था, उसमें डाल दिया था, अलग से भी डाल दिया था। तो ये बहुत अच्छा, फिर ये दम पे पकाए, थोड़ा पानी भी डाल दिया था और गरम मसाला भी डाला था, बाकी मिर्चें वगैरह डाली थी क्योंकि हमें अपना टेस्ट भी चाहिए होता है, सऊदी टेस्ट ज़रा सा फीका होता है इसलिए। तो ये बहुत अच्छा बना था, लोग ज़रा थोड़े हैरान हो रहे थे, वो बंडिश में लेके गई थी, लेकिन ये कि जब वो फ्रेश बना था तो बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। बहरहाल मुझे ख्याल है कि ये थोड़ा सा मैं शेयर कर दूँ। चलो अल्लाह हाफिज़।